हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज मैथ्स लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन दिया है, लिस्ट टू दिया है, मैथ्स करके बताना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैथ्स दिया वो बताना है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, ये जो है कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं और ये जो है वहाँ पे इवेंट दिए जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो बताना है, मैथ्स करके बताना है कि कौन सा इवेंट के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स परफॉर्म कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन। एंड बाहर की तरफ क्या होगा, यहां पे इंटर मैम्ब्रेन स्पेस, इंटर मैम्ब्रेन स्पेस। सो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन के बीच में होगा। और यहां अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स है। यहां पे यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें, कॉम्प्लेक्स थ्री है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स टू है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स टू। और यहाँ पे कौन सा, कॉम्प्लेक्स फोर है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कौन सा, कॉम्प्लेक्स फोर। एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज कौन सा, कॉम्प्लेक्स वन। साइटोक्रोम बीसी वन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स थ्री। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कौन सा, कॉम्प्लेक्स टू है यहाँ पे। तो अगर हम देखें, सबसे पहले क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स वन है, जो एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज जो है, ये ऑक्सीडेशन करेगा किसका, जो एनएडीएच टू का है, एनएडीएच टू। और इससे क्या बन रहा है, एनएडी प्लस प्लस ये जो टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि ये किसके पास जा रहा है, कॉम्प्लेक्स वन के पास। कॉम्प्लेक्स वन से किसके पास जाएगा, ये जो यूबिक्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहे, यू क्यू एच टू, यूबिक्विनॉल। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा थर्ड कॉम्प्लेक्स को। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जो एफ ए डी एच टू है उसका ऑक्सीडेशन होगा सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसके लिए। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बनेगा, एफ ए डी प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू प्रोटोन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास जा रहा है, कॉम्प्लेक्स टू के पास, वो ट्रांसफर करेगा किसको, यूबिक्विनॉन। और ये प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहे, यूबिक्विनॉल। और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स को। ये थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स से ये जो साइटोक्रोम सी जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करके ये जो है ट्रांसफर करेगा किसको, ये फोर को। एंड फोर जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं प्लस दो प्रोटॉन लेके क्या बनाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाफ से अगर हम यहाँ पे रखें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा इस हिसाब से। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू यूबिक्विनॉन फ्रॉम एनएडीएच, एनएडीएच से यूबिक्विनॉन के पास कौन करे, कॉम्प्लेक्स वन, तो बी का वन होगा। ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर, सो ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन करे ऑक्सीजन को जिससे वाटर फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा, कॉम्प्लेक्स फोर है, तो इसका ये होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू यूबिक्विनॉन फ्रॉम सक्सिनेट, सो ये जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो ये सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स, सो इसका क्या होगा, थर्ड होगा। ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम सी फ्रॉम यूबिक्विनॉल, सो साइटोक्रोम सी जो है यहाँ पे अगर हम देखें, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं यूबिक्विनॉन से, इसको ट्रांसफर जो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स थ्री इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, फोर होगा। सो ए का क्या होना चाहिए, टू, ए का टू यहाँ पे दिया है, इसमें थर्ड दिया गलत है, इसमें फोर दिया गलत है, इसमें फर्स्ट दिया गलत है। बी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, बी का फर्स्ट सही दिया है। सी का क्या होना चाहिए, फोर्थ सही दिया है। डी का क्या होना चाहिए, थर्ड सही दिया है। करेक्ट आंसर विद दिस फोर्थ वन, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।